सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो 5 बजे उठा मैं एज ऑलवेज, जैसे मैं रोज उठता हूँ। तो यही मेरा रूटीन रहेगा डेली का, 5 बजे उठना है और 5:30 या सॉरी 6:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो गाइज, जैसे ही मैं देख रहा था तो हमारे प्राइम मेंबर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एक ही जो बची है वो फीमेल है। तो गाइज, हमारी प्राइम मेंबर का आप नाम मुझे सजेस्ट कीजिए, हम उसका नाम रखेंगे। तो अब आते हैं अपने व्लॉग पे वापस। तो मैंने किया फटाफट से ब्रश और उसके बाद अपनी योगा की तैयारी। तो योगा करने के लिए बिछा लेते हैं चादर, वहाँ इसी पे योगा करेंगे। तो गाइज, मैंने योगा आज इसलिए किया क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे माइंड फ्रेश होता है, बॉडी में एनर्जी आती है। तो लेट्स ट्राई कि क्या होता है, देखते हैं क्या होगा। आज नींद आएगी कि नहीं आएगी, जैसे मुझे कभी कभी बीच में नींद आती है पढ़ते पढ़ते। रोज़ नहीं आती है, कभी कभी आती है। तो देखते हैं आज आती है कि नहीं। तो गाइज, ये जो योगा की पोजिशन है ये मैंने वीडियो से देखी थी और मैं भूल भी गया थी, तो मुझे पता भी नहीं है कैसे कैसे होगी, बट मैंने ट्राई किया। और ये सांस लेने वाला, इसको आलम विलोम कहते हैं शायद, तो मैंने ये ट्राई किया है क्योंकि ये तो सबको ही पता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो बैठते हैं ना पैर से ऊपर से नीचे करके, वो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे तो हुआ ही नहीं। फिर मैंने अपना डिप्स वगैरह लगाई, और क्योंकि अपने लिए तो यही बनाया गया। तो योगा करने के बाद मैं गया नहाने। नहाने के बाद मैंने देखा कि एक बैंगन जो है हमारे पेड़ पर पे आ चुका है गाइस, और जो ये फूल है इनसे भी बैंगन बनेंगे। तो 2-3 और आ जाएंगे ना, तब इनकी सब्जी बनाएंगे। ये मेरा ब्रेकफास्ट आज का, एक दम आलू, ये एक पराठा, ये चाय। ठीक है। तो गाइज, अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में दम आलू और पराठे खा के मज़ा आ गया गाइज, काफ़ी टेस्टी लगा था, अच्छा नाश्ता हुआ। काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा खाया है गाइज, तो मे बी इसलिए शायद ज़्यादा टेस्ट आया। सो गाइज, मैंने सोचा है कि ब्रेकफास्ट करते करते जो ये टेबल है और स्क्वायर और ये क्यूब मैंने जो लिख रखे हैं ना, इनको रिवाइज कर लेते हैं। रोज़ सुबह अभी यही कर करेंगे कि ब्रेकफास्ट के साथ ही इनको रिवाइज कर ले करेंगे, और जो कि जो हमारी कैलकुलेशन में है ना मेन रोल निभाते हैं, स्क्वायर क्यूब और ये टेबल। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे ना तो कैलकुलेशन फास्ट हो ही नहीं सकती गाइज। सो गाइज, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि बाहर पढ़ लेते हैं, आज मौसम ठीक है बाहर, अभी 8 सुबह का टाइम है तो मौसम ठंडा ही है। फिर मैंने जो प्रोनाउन चैप्टर कल रिवाइज किया था गाइज अपने नोट से, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अब नीतू मैडम की बुक से। नीतू मैडम की बुक में ये 70 के आसपास क्वेश्चन हैं इसमें, और मैंने सारे कर लिए हैं, ये आज ही आज मैं सारे निपटाए हैं। मैं जैसे ही बाहर पढ़ रहा था ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि गाइज वहाँ पे मक्खी बहुत लग रही थी बाहर, पता नहीं कहाँ से आ रही है इतनी, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं इरिटेट हो गया था वहाँ से। तो फिर मैंने अंदर आके जो चैप्टर है जो प्रोनाउन का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो गाइज, 8:20 हो गए हैं। मैंने अपने जो प्रोनाउन चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। उसमें से जो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए वो है 11। ठीक है, उन्हें बाद में रिव्यू करेंगे या नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तब देखेंगे उनको। और मैंने सर्कल कर लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने बात कर दिए जिससे मुझे पता रहेगा कि मेरे से कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है। तो गाइज, अब नेक्स्ट उठाया मैंने अपनी वोकेबलरी। वोकेबलरी में जो मेरा आज का टारगेट वही, जो एज यूजल मैं सेम रख रहा हूँ, 30 30 31 वर्ड, 30 idiom एंड 30 synonyms एंटोनिम्स। और जो पिछला किया था वो मैंने किया रिवाइज। और यहाँ पे जब जैसे ही मैं पढ़ रहा था ना, तो मम्मी आ गई थी, मम्मी को कुछ बात करनी थी, तो मैं मम्मी से बात करने लगा, तो पढ़ भी रहा था साथ साथ, बट ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने बुक बंद कर दी थी। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद दोबारा वोकेबलरी उठाई और उसको कम्प्लीट किया। सो गाइज, अब बज गए हैं 12। ठीक है, तो लंच कर लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, पता नहीं क्यों आज जल्दी भूख लग रही है। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए, 12:10 हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए 12:10 हो गए हैं। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो गाइस चलिए, अब डाल लेते हैं अपना लंच प्लेट में और फिर खा के फटाफट से अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए गाइस, इसको क्या हो गया, बर्फ़ जम गया इसमें पूरे में। ये मैंने कल रात ऐसे रख दी थी ना, क्योंकि ये गर्म उठी उस टाइम पे मैंने पी नहीं थी, तो ये मैंने ऐसी रख दी, इसमें पूरे में बर्फ़ जम गई है। ये देखिए, पूरे में बर्फ़ जम गई है, तो इसको थोड़ी देर रख देते हैं, बाद में पीएंगे। तो गाइज, ये है मेरा लंच, इसको फिनिश कर लेते हैं। तो आज लंच में बने थे नमक मिर्च चावल और साथ में मैंने ली थोड़ी दही। तो भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हुए करते अपना लंच को फिनिश। गाइस, ये मैंने चक्कू से ही काट दी। ठीक है, निकल ही नहीं रही थी, बहुत टाइम हो गया था। और जो है ना, ये नीचे इसका मतलब लगी और नीचे खराब होती जा रही थी,
तो इससे जब मैंने सोचा कि इतना टाइम लगेगा तो खराब हो जाएगी, इससे अच्छा काट देता है, तो मैंने चक्कू से काट दिया, इसको ऐसे निकाल देंगे। तो दोस्तों ये वही पेप्सी है जो मैंने कल मोमोज खाते हुए छोड़ दी थी। सो पेप्सी को इस दुनिया से आज़ादी देते हुए उसके बाद अपनी स्टडी करते हैं कंटिन्यू। SSC वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पे नमो मैम 10 मिनट का डेली शो डालते हैं, 1 10 मिनट का। उसमें एक टॉपिक होता है मैम, वो टॉपिक पढ़ाते हैं जो अपडेटेड में चल रहा है ना, SSC का पैटर्न जो चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट डांस और उनसे रिलेटेड जो पर्सन है, जो भी फेमस पर्सन है वो। ये है तो 10 मिनट का शो बट इसमें फुल पैकेज है ये। जो मैंने पहले तो मैं सोच रहा था ऐसी क्लास ले लूँ, देख देख लूँ बस, माइंड में रिवाइज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने सोचा कि इसको लिख लेते हैं, बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि क्योंकि ये याद नहीं होते एक बार में, तो उससे अच्छा है कि नोट्स से रिवाइज कर लेंगे। सो नेक्स्ट गाइस, फिर मैंने अपना दिया रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, तो फटाफट से करते हैं इसको कंप्लीट। गाइज मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, 21 के 21 सही है, 21 दूनी 42, 100% एक्यूरेसी, ठीक है। और जो क्वेश्चन छूटे हैं ना, मैं आपको एक बार डिटेल दिखा देता हूँ, ये देखिए ये डिटेल है, और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। एक तो ये जो ये मैंने टाइम की वजह से छोड़ दिया था कि इसे बाद में देखेंगे, बट बाद में भी टाइम नहीं बचा, और ये भी मैंने टाइम की वजह से छोड़ा था, ये भी टाइम टेकिंग है। तो और यहाँ पे जो ये 2 क्वेश्चन है ना, ये फिगर मुझे समझ ही नहीं आई, और ये सिंगल सेट, ये मेरी प्रॉब्लम बना हुआ है। मुझे बिल्कुल भी ये तो ऐसा है कि समझ में आ गया तो 1 सेकंड में, नहीं तो ये टाइम खा जाता है मेरा बहुत। 3 मिनट देखो, यहाँ पे 3 मिनट वेस्ट करे मैंने, इसकी वजह से ही मेरा जो टाइम कम पड़ा है। तो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देने के बाद थोड़ा मैं करता हूँ रेस्ट 10 मिनट का। उसके बाद जो आदित्य रंजन सर की कंपाउंड की क्लास है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मैंने वो ली क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल गाइस, तो बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी लैंग्वेज जो उसमें देता है ना, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ। तो मैंने सोचा है कि CI की क्लास दोबारा ले लेते हैं। सो सर की क्लास लेते लेते मैं आज काफ़ी टायर्ड हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज की स्टडी यहीं रखते हैं। 5 के आसपास टाइम हो गया था शायद, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने खुद के लिए मौसमी काट ली, और मौसमी और ये थोड़ा एक करेला, तो इसको खा लेते हैं क्योंकि जो फ्रूट है ना, फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो काफ़ी टाइम से फ्रूट ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि पार्क जाता था तो मैं ले लेता था, अब तो कुछ भी नहीं ले पाता। तो गाइस अब मैं काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ, तो ये खाने के बाद मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा, अब आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो गाइज अब हो गए हैं 5:15, 5:16 5:15 के आसपास हो गए। देखो मैं दिखा देता हूँ टाइम, देखिए गाइज 5:17 हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए ना, तो गाइज आज के लिए इतने ही रखते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करनी है आपके लिए, और वॉइस ओवर भी करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी इसमें, और आपको वीडियो सुबह तक देनी, थंबनेल भी बनाना है, तो काफ़ी काम है। आज की वीडियो इतने तक रख ओ सॉरी आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो फीडबैक हो और आपका जो भी मतलब पूछना चाहते हो, जो भी कर रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।